हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक नई शॉर्ट स्टोरी की, जिसका नाम है द एम्प्टी चेस्ट। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है इंदिरा गोस्वामी ने। इस स्टोरी की समरी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो फ्री है, लेकिन हमें ये मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, द एम्प्टी चेस्ट। जो ये द एम्प्टी चेस्ट शॉर्ट स्टोरी है, वो एक्चुअल में असमीज में लिखी गई थी, जिसका टाइटल था उदंग बगच। इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया था? प्रोदीप्ता बिरगोहेन ने। स्टार्ट करने से पहले मैंने हमेशा आपको समझाया है कि आपको जो शॉर्ट स्टोरी है उनके राइटर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं राइटर के बारे में। इंदिरा गोस्वामी वॉज अ फेमस राइटर, पोएट, प्रोफेसर, स्कॉलर एंड एडिटर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1942 में गुवाहाटी में इनका जन्म हुआ था। इनके कुछ फेमस वर्क है पेन एंड फ्लैश, पाकिस्तान, द जर्नी, पेजेस स्टेन्ड विद ब्लड। ये इनके बहुत ज्यादा फेमस वर्क्स हैं। इनके अवार्ड्स हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड, भारत निर्माण अवार्ड और पद्मश्री। पद्मश्री को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, उनका एक पर्सनल रीजन था। अगर मैं आपको समझाऊं तो इनका रीजन ये था कि इनके जो सपोर्टर्स थे, इनकी पोएट्री को जो सपोर्ट करते थे, वो ये चाहते थे कि इन्हें पद्मश्री नहीं मिलके इससे भी बेटर अवार्ड मिले, जो कि इंडिया देता है अपने रेनाउंड पोएट्स वगैरह को। तो इन्होंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इनके जो सपोर्टर्स थे वो चाहते थे कि इन्हें इससे ज्यादा बेटर टाइटल मिले। आगे बढ़ते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की तरफ। तारा दोई, ये हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है। सारू पापू तारा दोई का लवर है। हैबर एक फायरवुड ट्रेडर है और एक ये लस्टी मैन है। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ऐसा मैंने क्यों बोला है। और पुलिसमैन है जो कि तारा दोई का भाई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी समरी के साथ। तारादोई इज अ वर्कर इन द हाउस ऑफ सारू पापू। जो तारादोई है वो एज अ डोमेस्टिक हेल्प काम करती है सारू बापू के घर में। इट इज इंटरनल लव स्टोरी ऑफ तारादोई एंड सारा पापू, बट देयर लव वॉज अनसक्सेसफुल एज सारू पापू वॉज अ सन ऑफ अ वेल्दी जमींदार, वेयर एज तारादोई वॉज अ पुअर वर्कर। क्लियर है? तारादोई और सारू पापू जो ये दोनों थे, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों की ही फैमिलीज को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि सारू पापू जो है वो एक वेल्दी जमींदार का लड़का था और तारा दोई जो थी वो एक पुअर वर्कर थी। बोथ द फैमिलीज वर अगेंस्ट देयर मैरिज एंड हेंस द फैमिली ऑफ तारा दोई फोर्सफुली मेड तारा दोई मैरी अ ड्राइवर। जो तारा दोई की फैमिली है, उन्होंने क्या किया? फोर्सफुली इनकी शादी करवा दी एक ड्राइवर के साथ। बट इवन आफ्टर मैरिज तारा दोई इज अनेबल टू फॉरगेट हर लव फॉर सारू बापू एंड शी ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट हिम। शादी के बाद भी वो सारू पापू को नहीं भूल पाई और अभी तक भी वो याद करती हैं सारू पापू को, एंड शी इंटरनली लव्स हर, अभी भी वो उसे प्यार करती हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है कुछ सालों बाद का, मतलब हमें ये पता चल गया कि तारा दोई जो है उसकी ड्राइवर के साथ शादी हो गई है। अब कुछ सालों बाद हमें क्या पता चलता है? आफ्टर सम इयर्स वी केम टू नो दैट तारा दोई हैज टू किड्स एंड दे लिव इन पॉवर्टी एंड आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। हमें पता चलता है कि तारा दोई जो है उनको दो बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी में जीते हैं और वो खाने के लिए भी बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठा कर पाते हैं, उनके सर्वाइवल का भी कोई जरिया नहीं है। हर हाउस इज सिचुएटेड नियर अ क्रिमेशन ग्राउंड। इवन तारादोई's हस्बैंड इज नॉट विद हर बिकॉज ही वॉज इन अ प्रिजन एज ही यूज टू रैश ड्राइव द कार। यहाँ पे रैश आएगा। तो हमें क्या पता चलता है कि तारादोई जो है वो क्रिमेशन ग्राउंड, जहाँ पे गाड़ा जाता है लाशों को, वहाँ पे सिचुएटेड है, उसके पास सिचुएटेड है उनका घर। और वो बहुत पॉवर्टी में जीते हैं क्योंकि जो उनका हस्बैंड है वो कुछ कमाता नहीं है और वो प्रिजन में बंद है क्योंकि वो एक ड्राइवर था, बट वो क्योंकि रेगुलरली रैश ड्राइविंग करता था तो उसे प्रिजन में डाल दिया पुलिस ने। इन द एब्सेंस ऑफ तारादोई हस्बैंड हैबर, हु इज अ फायरवुड मर्चेंट, ट्राइज टू
क्रिएट सेक्सुअल रिलेशन विद तारा दोई बट शी डिनाइज एज शी इज फेथफुल फॉर सारू पापू। अब इसकी एब्सेंस में, जो इनके हस्बैंड है उसकी एब्सेंस में, तारा दोई जो है वो अपने घर पे अकेली होती है अपने बच्चों के साथ। तो एक फायरवुड ट्रेडर हैबर, वो क्या करता है, वो ट्राई करता है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना ले तारा दोई के साथ, बट तारा दोई उसको बिल्कुल रिफ्यूज कर देती है क्योंकि इंटरनली अभी भी वो शाहरुख पापू से प्यार करती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तारा दोई अपने हस्बैंड के साथ मैरिड है जो कि ड्राइवर था, बट वो अभी भी कनेक्टेड किससे है, शाहरुख पापू, मतलब वो अभी भी किससे प्यार करती है, शाहरुख पापू, और इसलिए वो किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है। एज हर हाउस वॉज नियर द क्रिमेशन ग्राउंड वन डे वेल शी वॉज वॉकिंग शी सॉ कॉफिन विच वॉज ऑफ शाहरुख पापू। अब एक दिन उनकी लाइफ में क्या होता है कि शाहरुख पापू का उनको क्या दिखता है, कॉफिन दिखता है, जब वो क्रिमेशन ग्राउंड में घूम रही होती है। तो वो क्या करती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी वो देखना आप। शी टेक्स द कॉफिन टू हर हाउस एंड ड्रेसेस लाइक अ ब्राइड, ओपन द कॉफिन एंड स्लीप विद द बॉडी ऑफ शाहरुख पापू। वो क्या करती है कि खुद एक ब्राइड की तरह तैयार होती है, कॉफिन को खोलती है और उसके साथ जो शाहरुख पापू की बॉडी होती है उसके साथ उसमें लेट जाती है। वाइल शी वॉज स्लीपिंग इन द कॉफिन शी फील्स लाइक शी इज विद हर लवर एंड शी रिमेंबर ऑल द टाइम शी स्पेंड विद हिम। अब जब वो उस कॉफिन में अपने लवर की बॉडी के साथ लेटती है तो सारे अपने पुराने टाइम के बारे में सोचती है और पुरानी जो मेमोरीज थी उनको ताजा करती है। शी फॉरगॉट ऑल हर लाइफ दैट शी इज मैरिड एंड हैज टू चिल्ड्रन। वो सब भुला के बस उनके साथ लेटी हुई है उस बॉडी के साथ, और वो भूल चुकी है कि वो ऑलरेडी मैरिड है या उनके दो बच्चे भी हैं। अब आगे बढ़ता है सीन। तारा दोईज ब्रदर पुलिसमैन इन्फॉर्म्स हर दैट सारू बापू वॉज नॉट फेथफुल एज ही एग्रीड टू मैरी समवन एल्स एंड शोड हर द मैरिज इनविटेशन कार्ड एज अ प्रूफ। अब जो तारा दोई का ब्रदर है पुलिसमैन, वो तारा दोई को बताता है कि जो आपका ये लवर था सारू बापू, ये आपकी तरफ फेथफुल नहीं था क्योंकि ये भी किसी और से शादी करने वाला था, और एज अ प्रूफ वो उनको शादी का जो इनविटेशन होता है वो दिखा देता है। तारा दोई स्ट्रेस ब्रेक एंड इन एंगर शी ब्रिंग्स द कॉफिन आउटसाइड हर हाउस एंड बर्न्स इट। देन शी रिकॉल्स हर एंड इज रेडी टू लिव हर लाइफ इवन इफ शी नाउ हैज टू ऑप्ट प्रोस्टिट्यूशन एज अ वर्क। ये है इस छोटी सी शॉर्ट स्टोरी की एंडिंग, जिसमें तारा दुई जो है, जैसे ही उसे पता लगता है कि उसका लवर जो है वो उसके साथ फेथफुल नहीं था, वो उस कॉफिन को, अपने लवर के कॉफिन को बाहर लाती है, उसमें आग लगा देती है। कुछ समय वहीं बैठ के अपने आप को वो रिकलेक्ट करती है, वो सोचती है कि बस हो गया जो होना था, और वो अब ये सोचती है कि चाहे मेरे को अब कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरे को एज अ प्रोस्टिट्यूट भी वर्क करना पड़े, लेकिन वो अब ये सब करेगी, लेकिन अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ेंगी। टाइटल के बारे में देख लेते हैं, टाइटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी का। टाइटल है द एम्प्टी चेस्ट। तो जो एम्प्टी चेस्ट है वो सिंबलाइज क्या करता है, तारा दोई की एम्प्टी लाइफ को। एम्प्टी लाइफ क्यों है ये पॉइंट देख लीजिए, क्योंकि उन्हें प्यार नहीं मिला, वॉज अनेबल टू मैरी हर लवर, अपना जो लवर है उससे वो शादी नहीं कर पाई, वॉज अनेबल टू स्टे विद हर हस्बैंड, अब जिनसे शादी हुई उसके साथ भी नहीं रह पाई क्योंकि वो प्रिजन में चला गया था, लिव नियर क्रिमेशन ग्राउंड एज शी वॉज पुअर, भाई शमशान घाट के पास रहना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा पुअर थी, गॉट टू नो दैट हर लवर वॉज अबाउट टू मैरी समवन एल्स, और आखिर में ये भी पता चल गया कि जो उनका लवर था वो भी किसी और से शादी करने वाला था। तो ये सब सिग्निफिकेंस है हमारे टाइटल की, और ये सारी चीजें सिंबलाइज करती हैं कि तारा दोई की जो लाइफ थी वो एम्प्टी चेस्ट जैसी थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द एम्प्टी चेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए। थैंक
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।